वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी मूव फर्दर फॉर डिस्कसिंग अबाउट मेथड ऑफ प्रिपेरिंग अकाउंट। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपेरिंग अकाउंट। द फर्स्ट इज देशीनामा सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्यूल एंट्री सिस्टम। इन देशीनामा सिस्टम इट्स कॉल्ड, हम इसे कह सकते हैं कि वो देशी है बहुत ही, जो रिटर्न फॉर्म में है इन ऑन पेज ऑन अ बुक। एंड द सेकेंड इज ड्यूल एंट्री सिस्टम, उसमें डबल एंट्री रहती है, वन इज क्रेडिट एंड सेकेंड इज डेबिट। सो वी कंसिडर बोथ सिस्टम इन अकाउंटिंग, बट नॉर्मली अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि ड्यूल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर देन द देशीनामा बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर थ्रू कंप्यूटर नॉट इन अ रिटर्न फॉर्म। सो बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और मेथड। उसमें सबसे पहला कौन सा है, देशीनामा सिस्टम, एंड द सेकंड कौन सा है, ड्यूल एंट्री सिस्टम। राइट, कौन सा है, ड्यूल एंट्री सिस्टम। अब उसमें भी हमारे पास ड्यूल एंट्री सिस्टम में थ्री बेस पे आते हैं। एक तो होता है मर्केंटाइल बेस, या तो फिर अक्रूवल इसे कहते हैं, सेकंड इज कैश बैलेंस, एंड द थर्ड इज मिक्स बैलेंस, सॉरी मिक्स बेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं देशीनामा सिस्टम की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देशीनामा सिस्टम। अब इसमें एक वर्ड आ गया देशी। अभी हम देशी किसे कहेंगे, जो उसकी प्रॉपर लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ही वो अपना अकाउंट प्रिपेयर करेगा। या तो फिर आपने अभी पुरानी फिल्में अगर आपने देखी होंगी तो उसमें एक अंकल रहते थे चश्मा पहन के, ब्लैक कलर सा, बड़े से कांच वाला ग्लास वाला, ऊपर एक कैप पहनते थे ब्लैक कलर की, जो पुराने बहुत बूढ़े लोग पहनते थे वैसे, और ऊपर से एक वो ब्लैक कलर का सूट पहनता था, या तो फिर उसे हम कहते हैं कोट पहनता था। तो वो जो अंकल रहते थे वो अगर किसी को रुपए दे रहे थे तो उसके बदले में अपने पास कुछ ना कुछ जवेरात, या तो फिर ज्वेलरी अपने पास क्या रखते थे, गिरवी रखते थे, और उसके बदले में क्या देते थे, रुपए देते थे। तो वो जो, और वो अपनी बुक में लिखते रहते थे, राइट। तो वो कौन से मेथड से यूज़ कर रहे थे, देशीनामा। अब देशीनामा सिस्टम में क्या रहता है कि अगर आपने मांडवी, या तो आप कहीं भी दुकान पर गए होगे, शॉप पर गए होगे, तो बहुत सारी शॉप में अभी भी कंप्यूटर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी रेड कलर की बुक रहती है, अगर आपने कहीं पे भी देखी होगी दिवाली के वक्त उसकी चौपड़ा पूजन करते हैं, क्या करते हैं, उस बुक्स की पूजा करते हैं, रेड कलर की बुक रहती है और ऊपर वाइट कलर के धागे रहते हैं, राइट। सो उस बुक्स में क्या लिखा जाता है, किसी एक पर्सन का ऊपर नाम लिखा जाता है, और उसने जो भी गुड्स हमारे पास से परचेस किए तो हम उसमें से उसका नाम लिख के नीचे अमाउंट लिख देंगे कि इस डेट को इस पर्सन ने हमारे पास से इतने रुपए का अमाउंट क्या किया है, सॉरी गुड्स हमारे पास से क्या किया है, परचेस किया है। सो उसे हम जैसे भी रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में, तो इट्स कॉल्ड देशीनामा सिस्टम। उसमें कोई भी ड्यूल एंट्री होती नहीं है, मैंने सिर्फ लिख दिया कि राजन ने मेरे पास से 5000 का गुड्स ले गया है इस डेट को, बस और कुछ मैं इसमें लिखूंगा नहीं। सो ये हमारे पास बहुत ही पुरानी एंसिएंट मेथड है अकाउंटिंग की, एंड वो ऑलवेज कौन प्रिपेयर करता था, सोल प्रोप्राइटर या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जब एक ही पर्सन यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है, और वो जो अपने तरह से अपना अकाउंटिंग लिखता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। मांडी में जितने भी बात करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स क्या, कि वेन टू और मोर पीपल कम टूगेदर फॉर एनी पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट, तो उन दो लोगों को हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे, और जो भी अपना वो यहाँ पे यूनिट या तो फिर अपनी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। सो देशीनामा सिस्टम कौन प्रिपेयर करता है, सोल प्रोपराइटर या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म वाले लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं देशीनामा सिस्टम। बट अभी भी हमारे पास ग्रेजुअली क्या हो गया, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको जो भी अकाउंटिंग रहती है वो किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम। उसमें हमारे पास बहुत से आते हैं, ठीक है, बट हम देशीनामा की बात करते हैं तो उसमें मेनली थ्री यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, हाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, यहाँ पे अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमने अभी भी बताया कि रेड कलर की बुक में वो क्या लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देते हैं और अपना जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख देते हैं। विच अकाउंटिंग बुक आर मेंटेन, उसमें एक ही बुक रहती थी रेड कलर की बुक, वो हम देशीनामा में आती है, इसके बारे में हम पार्ट टू में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास पूरा यूनिट रहेगा इसका। सो मेनली हमारे पास टू मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें आ रही है देशीनामा सिस्टम में, वो कौन सी हैं, कि ये बहुत ही एंशंट सिस्टम है, अभी वो हाल फिलहाल में अभी बहुत ही इतनी यूजेबल है नहीं, बिकॉज ऑफ
अभी हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं, तो वो हम हाथ रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के बेस पे, टैली के बेस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग लिखते हैं। द सेकेंड इज ड्यूल एंट्री सिस्टम, या तो फिर इसे हम कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। अब हमने पहले भी बात की थी, जब हमने पहला लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी कि अकाउंटिंग जो हमारे पास न्यूली अकाउंटिंग आया, तो फिर हमारे पास एंशिएंट देसी नामा के अलावा हमारे पास अकाउंटिंग का हमारे पास क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो उस वर्ड को सबसे पहले प्रोपाउंड किसने किया था, तो इटाली के मैथमेटिशियन थे, कौन थे, लुका पेसियोली। लुका पेसियोली ने हमने सबसे पहले क्या बताया कि अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट की है, उसमें हमारे पास रिकॉर्ड करने चाहिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए या तो फिर इवेंट्स हो रही हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे माइंड के लिमिटेशंस कैसी हैं, बहुत ही कम है, या तो फिर हमारे पास मेमोरी कैसी है, बहुत ही कम है। हम कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स इजीली माइंड में सेव करके नहीं रख सकते बहुत ज़्यादा दिन तक। सो हमारे पास ड्यूल एंट्री सिस्टम क्या आई, हमारे पास अराइज हुई। अब ड्यूल एंट्री सिस्टम हमने पहले भी देखा था किस पे, उसके पिलर मेन कौन से हैं, द फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। बेसिकली हमारे पास जो थ्री रूल्स थे, फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। अब तीनों जो अकाउंट थे हमारे पास, उसमें एक डेबिट हो रहा था, दूसरा हो रहा था क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे दो वर्ड है, तो इट्स कॉल्ड ड्यूल एंट्री सिस्टम। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गुड्स परचेस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम हरीश। हमने हरीश के पास से 5,000 का गुड्स परचेस किया, राइट। तो हमने परचेस किया तो हमारे पास गुड्स आएगा, राइट। व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। सो गुड्स अकाउंट, इट मीन्स गुड्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स को हम कहते हैं परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट डेबिटेड, तो हमारे पास से क्या गया होगा, व्हाट गोज आउट, मनी, राइट, कैश टू। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे एक डेबिट हुआ, दूसरा हुआ क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ड्यूल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम, हमारे पास मेनली थ्री यहाँ पे सब मेथड्स आते हैं इसकी। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास मर्केटाइल बेस, या तो फिर इसे हम कहेंगे अक्रूवल बेस, राइट। सेकेंड इज कैश बेस एंड थर्ड इज मिक्सड बेस। हमारे पास ये ड्यूल एंट्री सिस्टम की थ्री मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो कौन सी हैं, मर्केंटाइल यूज या तो फिर बेस इज कॉल्ड अक्रूवल, सेकंड इज कैश बैलेंस एंड थर्ड इज मिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रूवल या तो फिर मर्केंटाइल बैंक की बेस की, सॉरी किसकी बात करते हैं, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेस। अब इसमें क्या रहता है कि हमारे पास पर्टिकुलर कोई एक ईयर रहेगा फिनेंशियल ईयर, वो फिनेंशियल ईयर हम किसे कहेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, हम यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जो बिजनेस का फिनेंशियल ईयर होगा वो कैसा होगा, ऑन 1/4, इट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, राइट। सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारा अभी कौन सा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 2022 31 मार्च 2020 2021 तक चलेगा, इट्स कॉल्ड फिनेंशियल ईयर। सो ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर आर कंसिडर। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसी साल के होने चाहिए, जो अभी हमारे पास फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसको हम ही कंसिडर करेंगे, राइट। सो ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर आर कंसिडर, ट्रांजेक्शन्स ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर, ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू रिसिप्ट अकाउंट, सॉरी पेमेंट, लाइबिलिटी एंड असेट्स आर इंक्लूडेड। हमने यहाँ पे जो भी रिसिट हुई होंगी, हमारे पास जो भी इनकम हुई है, राइट, उसे हम कंसिडर करेंगे, हमने जो पेमेंट किया हुआ है उसे हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास लाइबिलिटी है, इट मीन्स कि हमारे ऊपर कोई रुपए मांग रहा है तो हमारी वो लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और असेट्स, हमने इस साल में, इस ईयर में हमने कोई भी असेट्स परचेस की होगी या फिर सॉल्ट की होगी, तो इसे हम कहेंगे, इसे भी हम इंक्लूडिंग करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर, ऑलवेज यहाँ पे याद रखना, रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर कंसिडर। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर या तो फिर नेक्स्ट ईयर का हम कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्रूव या तो फिर कंसिडर करेंगे नहीं। वेर आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड।
इसको हम बेसिकली नीचे दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फिर आता है द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर ओनली आर कंसिडर। अभी हमने बात की थी कि पर्टिकुलर किसी एक ईयर का ही हम यहाँ पे जो भी इनकम या तो फिर एक्सपेंस हो रहा है उसी को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ईयर की या तो फिर 2000 सॉरी हम प्रीवियस ईयर की हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट को कंसिडर करेंगे नहीं। अभी मैं आपको बात बताऊँ कि अभी हमारे पास फिनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 टू 21 चल रहा है। तो इट मीन्स कि हम 2020 2021 तक जो हमारे पास फिनेंशियल ईयर है उसी को उसी साल में हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे। 2021 टू 2022 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे और 2019 टू 2020 के हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। सो पर्टिकुलर जो भी फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज दूसरे कोई भी ईयर को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। इट इंक्लूड्स रिसीवेबल इनकम्स ऑफ द करंट ईयर एंड द पेएबल एक्सपेंसिस ऑफ द ईयर आर नॉट कंसिडर टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड सॉरी करंट ईयर एंड कैश एंड इनका एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ डिटरमाइन फ्रॉम अ प्रॉफिट और अ लॉस अकाउंट। सो ओवरऑल ये हमें क्या बता रहा है पूरा का पूरा कि इसी साल का हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर या तो फिर नेक्स्ट ईयर का हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अभी हम यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अभी हम चलते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि अज्यूम दैट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/2014 टू 31 मार्च 2015। सो 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2015 हमारे पास वो क्या हो गया अकाउंटिंग ईयर हो गया, क्या हो गया हमारे पास अकाउंटिंग या तो फिर फिनेंशियल ईयर हो गया। एंड सैलरी ऑफ ₹5,000 इज पेड एवरी मंथ, एवरी मंथ मीन्स कहाँ से 1/4 से लेकर 31 मार्च तक हम क्या कर रहे हैं एवरी मंथ 5,000 सैलरी पे कर रहे हैं। फर्दर अज्यूम दैट सैलरी ऑफ मार्च इज आउटस्टैंडिंग, वाई आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी हमें पे करने की बाकी है राइट। सो हमें ये क्या बता रहे हैं कि हम एवरी मंथ 5,000 सैलरी पेड कर रहे हैं बट हमारे पास मार्च की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई, क्योंकि हम जो भी सैलरी रहती है वो एंड ऑफ द मंथ होती है, इट मीन्स कि नेक्स्ट मंथ के 1 to 5 डेट के बीच में सैलरी हो जाती है। बट हमारे पास यहाँ पे देखो 31 मार्च 2015 को तो ये हमारे पास फर्स्ट फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, तो अब 1/4 से लेके न्यू ईयर स्टार्ट होगा किसका बिजनेस का, तो हम कंसिडर कैसे करेंगे जो हमारे पास मार्च की सैलरी है वो हम 2014-15 में ही कंसिडर करेंगे, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे सैलरी पेड फॉर 11th मंथ। 11th मंथ मीन्स 1/4/2014 से लेके 20 फरवरी 2015 तक। सो 5,000 इंटू 11 इट मीन्स 55,000। बट मार्च की जो सैलरी रहेगी वो हम कब पे करेंगे इन अप्रैल में पे करते हैं बिकॉज ऑफ मार्च 31 मार्च को हमें क्या करना है फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर हमारा पूरा हो जाता है ख़त्म हो जाता है, तो हम अप्रैल में ही क्या करते हैं वो सैलरी पे करते हैं बिटवीन 1 to 5 अप्रैल। तो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर तो ख़त्म हो गया बट फिर भी हम उसी में कंसिडर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, वो भी लिखेंगे मार्च की कितनी है 5,000। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा हमारे पास जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, वन अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास जो 5,000 रुपीज़ जो पे करने के आते हैं जो आउटस्टैंडिंग है वो एवरी ईयर क्या होते जाएंगे नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड होते जाएंगे। तो हमें प्रॉपर पर्टिकुलर ईयर का हमें कुछ भी यहाँ पे कोई भी अच्छी तरह से मिलेगा नहीं। सेकंड है कैश और रिसिप्ट बेस। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर एक वर्ड आ गया, कौन सा आ गया कैश और रिसिट। इट मीन्स इस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ उसी को ही कंसिडर करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स ओनली और ओनली कैश में या तो फिर रिसिप्ट बेस पे हुए हैं। सो ओनली ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो इसे हम कंसिडर करेंगे नहीं राइट, तो इसीलिए हमें पूरा नाम बता रखा है कैश। सो ओनली ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इंक्लूड ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू रिसिट पेमेंट लाइबिलिटी और असेट्स, इन चारों के बारे में आएगा हमारे पास कैश में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो। एंड द कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट करंट ईयर आर ऑल्सो कंसिडर।
ठीक है, हमारे पास कैश में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या तो फिर नेक्स्ट ईयर का हो, हम इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सो हमारे पास डिफरेंस कौन सा आ गया, सबसे पहले आ गया अक्रूवल, तो उसमें क्या करेंगे कि करंट ईयर का ही हम सभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट कैश और रिसिप्ट बेस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश में ही हमारे पास ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसी को ही हमें कंसिडर करना है। एंड द थर्ड इज हाइब्रिड और मिक्स्ड। हाइब्रिड और मिक्स्ड मीन्स क्या, कि हमारे पास कैश बेस पे आ गया और अक्रूअल बेस पे भी आ गया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्सर कर देंगे, हाइब्रिड कर देंगे। सो दिस मेथड इज आइडेंटिफाइड एज मेथड ऑफ मर्कनल सिस्टम, इट इज नॉन एज मिक्सर ऑफ मर्कनल सिस्टम एंड द कैश सिस्टम। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, जनरली द कंपनीज मेंटेन देयर अकाउंट्स अंडर द मर्कटाइल सिस्टम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अभी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स क्या, AS, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे पास जो बॉडी है जो अकाउंट रिलेटेड है, वो क्या करती है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड हो रहे हैं या तो फिर हमारे पास रूल्स आ रहे हैं वो एक ही तरह से कॉमनली रहे, ठीक है, जो सभी लोग यहाँ पर अकाउंटिंग एक ही मेथड से करें, तो उसके लिए ASBQ ने क्या किया है, क्रिएट किया, वो बॉडी क्या करती है, वो सभी रूल्स गवर्न करती है और उसके हिसाब से वो सभी यहाँ पे मेथड अप्लाई करती रहती है। सो हमारे पास मोस्टली इंडिया में कौन सी सिस्टम यूज रहती है, फर्स्ट वाली, और कभी कभी हम दोनों को भी यहाँ पे मिक्सर कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैश, सेकेंड इज सॉरी फर्स्ट इज अक्रूअल, सेकेंड इज कैश एंड थर्ड इज हाइब्रिड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। एंड अवर लास्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट। हमारे पास अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसके स्टेप कौन से हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास स्टेप्स में सबसे पहले आता है वाउचर, इट्स कॉल्ड, हम जिसे कहते हैं बिल, हम क्या कहते हैं इसे, बिल कहते हैं, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे कहते हैं वाउचर। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, हमारे पास ट्रांजेक्शन कैसा हुआ है उसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है। द सेकंड द थर्ड इज जनरल और सब्सिडरी बुक्स, राइट, जो हमारे पास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर सिक्स चैप्टर रहेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जनरल के बारे में और सब्सिडरी बुक्स के बारे में। द फोर्थ इज लेजर और पोस्टिंग, वो भी हमारे पास सेवन्थ और एट यूनिट आ रहा है उसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, हमारे पास वाउचर हो गया, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, हमने यहाँ पे जर्नल लिख ली, जर्नल के ऊपर से हमने लेजर पोस्टिंग कर दी, और उसके बाद इन सभी को मिला के हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे हम बनाएंगे और उसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, इट्स कॉल्ड बैलेंस शीट। उसमें आ गया हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट आ गया और आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाउचर के बारे में। सो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, वाउचर का है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग तो वो कौन सा है, वाउचर। वाउचर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज वैलिड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन मेड, इट्स कॉल्ड, हम जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बिल। तो बिल हमारे पास क्या है, वो रिटन डॉक्यूमेंट है कि हमने इसके पास इतने का गुड्स परचेस किया है या तो फिर हमने क्या किया है, सेल किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप कौन सा है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हमने बात की थी इकोनॉमिक मीन्स जो मॉनिटरी वैल्यू उसकी कंसिडर कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक में हम उसे कंसिडर करेंगे नहीं। सो इट्स मीन्स जो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी वैल्यू में हुआ होगा, इट्स मीन्स मनी में हुआ होगा, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक। जो नॉन इकोनॉमिक है वो मनी में हुआ होगा नहीं, जिसमें हमें ऑर्डर मिलना हो गया वो इकोनॉमिक नहीं है। वेदर द ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट डिटरमाइंड इन दिस स्टेट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। पहले वाउचर मिलेगा, इट मीन्स बिल मिलेगा, अब वो बिल कैसा है, इकोनॉमिक है या तो फिर नॉन इकोनॉमिक है, वो क्रेडिट है या तो फिर कैश में है। थर्ड स्टेप कौन सा है, रिकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन अंडर दिस स्टेज, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल्स एंड सब्सिडरी बुक्स। जनरल हमारे पास जो बेसिकली मेन बुक है जिसमें हम सभी रिकॉर्ड लिखेंगे। फिर है पोस्टिंग लेजर, हमने जर्नल को प्रिपेयर किया, जर्नल में हमारे पास दो एंट्री आएगी डेबिट और क्रेडिट के, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में उस कॉल उसे कहते हैं हम पोस्टिंग कहते हैं, सॉरी लेजर कहते हैं, उसका लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद हम क्या कर देंगे उसमें पोस्ट कर देंगे, इट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके अकाउंट में, उसका अकाउंट में जो भी परचेस या तो फिर सेल किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिफ्थ इज ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, लेजर एंड पोस्टिंग के पर्चे हम क्या बनाएंगे,
ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इन ट्रायल बैलेंस ऑल बिजनेस ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज इन फोर्थ स्टेज आर डिस्क्लोज एंड इट इज प्रायर स्टेज ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये प्रायर स्टेज है किसकी, फाइनल अकाउंट बनाने की। तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम क्या बनाएंगे, एनुअल अकाउंट बनाएंगे। एनुअल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड थर्ड बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो हमारे पास स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स कैसे होना चाहिए, वन बाय वन स्टेप होना चाहिए। इट मीन्स वो सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सीढ़ी है, ठीक है, हमें टेरेस पे जाना है, सीढ़ी है, तो हम सबसे पहले पहली सीढ़ी आएगी, पहला से यहाँ पे स्टेप आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। सीधा का सीधा हम फर्स्ट से लेके टेंथ तक सीधा का सीधा नहीं पहुँच जाएंगे। वैसे ही हमारे पास सबसे पहला कौन सा आएगा, वाउचर आएगा, इट मीन्स बिल मिलेगा। अब बिल को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश है या फिर क्रेडिट है, इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके रिकॉर्ड करेंगे जनरल में डेबिट या तो फिर क्रेडिट जो एंट्री होगी वो। फिर जनरल पर से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, लेजर में जो भी डेबिट हो रहा है वो डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट कर देंगे। और लेजर के पर से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट स्टेज है, प्रायर स्टेज है फाइनल अकाउंट रेडी करने का, तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। सो ये हमारे पास ये हो गया पूरा का पूरा स्टेप्स हो गए। अब ये हमारे पास सिर्फ अभी सिर्फ समझने के लिए बताया गया है कि इसमें ऐसा ऐसा आता है, बट ये तो पूरा ब्रॉड है हमारे पास, पूरा पहला जो पार्ट है वो सभी को मिला के यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। इट मीन्स वाउचर, फिर ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर जनरल लिखेंगे, फिर हम सब्सिडी बुक्स बनाएंगे, फिर हम लेजर एंड पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सो हमारे पास स्टेप नंबर 5 तक पार्ट 1 में हमें पढ़ने का है।